आप इतने अच्छे हैं कि अगर मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? वो सब क्यों नहीं होता जो मैं चाहता हूं? मेरी अपनी फैमिली मुझे। इंसान बुरा नहीं होता, बुरा वक्त होता। वक्त तो गुजर जाता है ना, आप अच्छा सोच लेना तो अच्छा होगा, तभी तो आप जिंदगी में होने वाली अच्छी चीजों को देख पाएंगे। मैं जानती हूँ कि आज आपकी जिंदगी के एक बहुत अहम रिश्ते पर से आपका भरोसा उठ गया, लेकिन एक नया रिश्ता भी तो मिला है ना आपको मेरे साथ। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? Will you be my friend forever? आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके लिए कर रही हूं ये दोस्ती, मैं अपने लिए कर रही हूं ताकि जब आप मेरे साथ न रहे तब भी आसपास रहे। आपसे मुझे बहुत खुशी मिलती है, जिंदगी जीने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, औरों के लिए कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। देखिए, इंस्पेक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कोई भी प्रेशर मत लीजिए, आप जो भी जानते हो आराम से बता दीजिए। देखिए, अभी अभी आपको होश आया, मैं ज्यादा सवाल तो करूंगा नहीं। आप ये बताइए कि आप पर अटैक किसने किया? आलिया मेहरा। थैंक्स डॉक्टर, बाकी की कार्रवाई हम बाद में करेंगे। चलो। बेटा, तूने आलिया का नाम ले लिया? सच है माँ, सच सच बताया। मुझे पता है बेटा, उसने जो तेरे साथ किया वो बहुत गलत, कोई दुश्मन भी नहीं करता, लेकिन तू तो समझ सकती है ना, आलिया प्रज्ञा की ननंद। अभी की मैं घर की बात थी ना बेटा, घर में ही सुलझ जाती, तूने उसका नाम क्यों लिया? दादी, बुलबुल, आंटी जी बुलबुल को। दादी, आंटी जी, क्या हुआ? आप लोग इतनी टेंशन में क्यों? वो पुलिस आई थी, उसका बयान लेने के नाम नाम लेते हैं उसने आलिया का। तुम यही रहो, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए प्लीज, अंदर मत जाइए। आप कौन? मैं पूरब खन्ना, बुडू का फियांस। देखिए, हम आलिया मेहरा को गिरफ्तार करने आए हैं, वही जिसने आपकी मंगेतर पर अटैक किया था। कमाल की बात है, आप ही अंदर जाने से रोक रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, आलिया ने बुडू पे कोई अटैक नहीं किया। लेकिन आलिया का नाम लिया था उसने। एक्चुअली इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एक्चुअली वो शादी के टाइम वो मंडप उसके सर पे गिर गया था और उसको बहुत ही गहरी चोट आई। ऐसे में आलिया उसे बचाने जा रही थी, लेकिन बुलबुल को लगा वो उसे धक्का दे रही है, वो वहाँ पे उसे मारने की कोशिश कर रही। पर इंस्पेक्टर साहब, बुलबुल होश में नहीं थी, उसको गलत फहमी हुई थी और उसी वजह से ये सारी कन्फ्यूजन है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब लोग आपको बताएंगे कि ये सब एक एक्सीडेंट था, आलिया ने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। शीज़ इनोसेंट। तो ये बात तो उसकी फैमिली वाले भी बता सकते हैं ना हमें। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप जानते हैं ना अभी माहौल कैसा है। बुलबुल वहाँ हॉस्पिटल में, उसकी हालत एकदम खराब है, खून बह रहा है, वो होश में नहीं है, और यहाँ आलिया की फैमिली तो एकदम ट्रॉमा से गुजर रही है। ऐसे में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उन पे क्या बीतेगी, आप ही सोचिए ना। आप 2-3 दिन का इंतजार कीजिए, जब दोनों फैमिली में माहौल ठंडा हो जाएगा ना, तब आप जितनी इन्वेस्टिगेशन लेनी होगी ले लेना, पर अभी अंदर मत जाइए। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन 2 दिन के बाद आप अपनी मंगेतर के साथ पुलिस स्टेशन आना। जैसे ही बुलबुल ठीक होगी, मैं उसको लेकर आपके पास आऊंगा और सारी स्टेटमेंट दूंगा, बस अभी अंदर मत जाइए। ठीक है हवलदार, चलो। थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं अभी इस वक्त तुझ पे क्या बीत रही होगी। तुझे इस प्रॉब्लम से निकाल तो नहीं सकता, पर तेरी प्रॉब्लम्स बढ़ने से रोक जरूर सकता। क्यों बैठे हो, सोए क्यों नहीं? मैं
मैं सो जाऊंगी, तुम जाओ, तुम लोग सो जाओ, अभी का ध्यान रखना। क्या हुआ है? आलिया के बारे में सोच रही थी, रॉबी ने बताया मुझे आलिया बहुत गुस्से में गाड़ी लेके बाहर चली गई, अभी तक नहीं आई, कितना टाइम हो गया। आपने फोन किया उसे? फोन तो किया पर उसका फोन उसके कमरे में है। क्या कर? आप चिंता मत कीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ ना, ये जाके ले आएंगे आलिया को। हाँ आप चलिए पहले सो। क्या हुआ मेरी बच्ची को? दादी घबराने की कोई बात नहीं है, शायद ड्रिंक ज्यादा कर लिया होगा। आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। चिंता मत कीजिए, उसे होश आ जाएगा। आज तो पूरब की शादी होने वाली है, पर यहाँ तो कुछ और ही सीन नजर आ रहा है। एक्चुअली मैं यहाँ पूरब की शादी के लिए आया था, पर यहाँ आने के बाद लग रहा है कि या तो मैं लेट हूँ या फिर उसकी शादी जल्दी हो गई। नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली बुलबुल का एक एक्सीडेंट हो गया, इस वजह से शादी आज नहीं हो पाई। ओह निखिल, तुम? हाँ यार, वो पूरा शादी के लिए आ रहा था और रास्ते पर आलिया बेहोश देख गई। वो पूरा बुलबुल की शादी पोस्टपोन हो गई है। I'm sorry, हम में से किसी ने तुम्हें बताया नहीं। No, yeah. होता है। As long as सब ठीक है। जी, मैं चलता हूं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, और जो सच है वो ये कह नहीं रहे। पता करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यहां हुआ क्या था, बिकॉज यू नेवर नो कि तनु को पाने में मेरे कौन काम आ जाए। देखा तूने प्रज्ञा, अभी ने आलिया की तरफ देखा भी नहीं, पता नहीं इन दोनों के रिश्ते को किसी की नजर लग गई है। दादी, तो नजर लग गई है तो नजर उतर भी जाएगी ना। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? पता नहीं कैसी होगी बुलबुल, किसी का फोन भी नहीं आया अब तक। क्या हुआ है? क्या क्यों खड़ी हो? आप उठ गए, मैं कॉफी बना कर लाती। मैंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़ी? कुछ भी नहीं हुआ। कल ही तुमने मुझे अपना दोस्त बना और आज अपने दोस्त से झूठ बोल रही हूँ। पता है दोस्त से कोई बात छुपाया नहीं जाता, इसलिए बताओ मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, मैं कॉफी ले आती हूँ ना, फिर आप बुलबुल की याद आ रही। देखो कुछ नहीं होगा बुलबुल को, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो। और अगर उसने ठान ली ना तो यमराज भी उसका कुछ नहीं कर सकता। बस इस बात का बुरा लग रहा है कि बुलबुल और पूरब की शादी फिर से नहीं हो पाई। अरे तुम रो क्यों रही हो? प्लीज रोना बंद करो। अरे ठीक है ना, बोल दो ना मुझसे कि बुलबुल से मिलने जाना है, हम मिलने चले जाएंगे। देखो इस तरह मोटे मोटे आंसू निकालती रही ना तो फिर तुम्हारे चश्मे पर मुझे कार के वाइपर लगाने होंगे। बॉक्सिंग करना चाहती हो? कम ऑन, बॉक्स। लेट हो रहे हैं, मुझे 2 मिनट दो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर गाड़ी में जब बुलबुल को मिलने जा रहे तब बॉक्सिंग भी कर लेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।